मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज के इस प्रोग्राम के सदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, रजिस्टर्ड तंजीम के रियासती सदर हाजी कामरेड अब्दुल रहमान साहब, स्टेज पर बैठे हुए कायदे नस्ल नो जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, हाजी रफीक शेख साहब, नशा मुक्त के लिए एक बेड़ा उठाकर कई लोगों से दुश्मनी लेकर सीना तान कर रोड पर चलने वाले नौजवान हाजी खालिद साहब, हाजी खालिद शेख साहब, माफ कर रहे हैं, शकील भैया साहब, हसन अली दादा, आए हुए सभी मोअज़्ज़िज़ीन हज़रात, आज यहां पर सबसे पहले मेरे अजीज, मेरे साथी अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के लिए सीना सुपर होकर सीधा तान कर मुकाबला करके रजिस्टर तंजीम को आवाम से मुतारिफ कराने वाले, जिनको दुश्मनों ने कई हलकों से परेशान किया, लेकिन वो एक ऐसा तनावर दरख्त रहा जो अपनी जगह से भी नहीं हिला, ना ही उसकी एक टहनी हिली। ऐसे हमारे मरहूम इकबाल शाह साहब के नाम से, नाम से फख्र इकबाल फाउंडेशन की ऑफिस और उसी के साथ अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस विजय एंटी सेल की ऑफिस का राबता ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। दोस्तों और साथियों, ये एक ऑफिस, यहाँ से तमाम फराई काम, तमाम समाजी काम, तमाम वो काम बिरादरी के जो हम इधर उधर भटक कर लोगों के लिए राय ढूंढते थे, हमें स्टेज पर खड़े रहकर कुरान की कसम खाकर किसी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। हम खामोशी तौर पर बिरादरी का काम करने, समाज का काम करने, गांव का काम करने के लिए यहाँ पर मरहूम इकबाल शाह साहब के साथ जाते हैं। काम यहाँ पर किए जाएंगे, जिन्होंने बाबा ने यहाँ पर जो इब्तदा रखा है, इस ऑफिस के जरिए काम होगा। हम किसी को चैलेंज करने के लिए ऑफिस नहीं खोल रहे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। और अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है कि रजिस्टर तंजीम 1971 से अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के जो फार रुकन थे, जो फाउंडर मेंबर थे, हाजी फतेह मोहम्मद साहब से लेकर तो आज तक कामरेड रहमान शाह साहब आज हमारे साथ है और रजिस्टर तंजीम के रुकन हमारे सदर यहाँ पर मौजूद है। यही हमारे लिए काफी है कि हम रजिस्टर तंजीम के रुकन, हमको किसी को चैलेंज करके, किसी को बुलाकर क्या कुरान की कसम खाओ और बताओ। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के हर कामों को देखते, सच्चाई इंसान के जबान से निकलना चाहिए, ना कि अगर किले में तुम मीटिंग ले रहे कोई, ये तुमने मान लिया कि बिरादरी का पहचाना हुआ चेहरा, कई चेहरों में वो चेहरे तुम्हारी मीटिंग में नहीं आए, इसका मतलब ये मालूम था कि आप इलीगल हो। और लोग भी जानते हैं कि आप इलीगल हो, आपके पास कोई नहीं है, आपको कुरानी के सब खाने कोई जरूरत नहीं है। मैं इस स्टेज से आपको दावत देता हूं कि आप रजिस्टर लाकर बता दीजिए, आप शेड्यूल वर्क पर अपना नाम लाके बता दीजिए, कल मैं आपके स्टेज से आके आपका इस्तकबाल करूंगा। तमाम इख्तलाफ खत्म, कोई जरूरत नहीं किसी बाहर के लोगों को लाकर, किसी को बुलाकर इख्तलाफ खत्म करने की। मैं शहर के लोगों के पास जाऊंगा, मैं बिरादरी तहजीब के हाथ पांव जोड़ूंगा। अगर आप शेड्यूल वर्क पर हो, आपके पास वर्क बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है, अगर वर्क बोर्ड के ऑफिसर ने आकर यहां पर
पछतावा किया है आपके ऑफिस का, आपका जाहिर प्रगटक चिपकाया गया है, जाहिर प्रगटक का पछतावा हुआ है और आपको शेड्यूल वन पर लाया गया है, तो कोई जरूरत नहीं कलाम पाक की बेहरमती करने की, कुरान करीब की कसम खाकर अपने आप को साबित करने की। अगर आज मैं चिल्ला कर बोलूं कि सिद्धू हुकूमत ने मुझे गवर्नर बना लिया, आप मानोगे? नहीं मानोगे। सिद्धगढ़ का मैं सदर हूं, आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्योंकि हिंदुस्तान में कानून में कागज चलता है और वो कागज में एक मर्द मुजाहिद कामरेड रहमान आज सदारत लेकर हमारे पास मौजूद है, जो शेड्यूल वन पर है और उनकी रहनुमाई में हम काम कर रहे हैं। ये हमारी बिरादरी की पहचान है, ये हमारी तंजीम की पहचान है और हम अकेले कुछ नहीं है। जब तक शहर की और महाराष्ट्र की बिरादरी हमारे साथ है, बिरादरी हक जानती है, बिरादरी के लोग हक को पसंद करते, सच्चाई समझते। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, फरमाया है कि अगर तुम जुल्म को हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोको, गलत को हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोको, जबान से बुरा बोल सकते हैं तो बुरा बोलो। अल्लाह करम मालेगांव की शाह बिरादरी हर तरीके से मुखालफत हक और नाहक की करने के लिए तैयार है। तो मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सच्चाई को पहचानिए। बार बार कुरान की बेहरमती, सूरह यासीन जेब में, शादियों में किसी को घूरना, किसी से पूछना क्या है बे, ये बड़ों का सेवा नहीं है, बड़ों का काम है। जब हाजी सुजात अली साहब ने जब सदारत का हार पहनाया था शाह जमात खाने में, तो मुझे वो लफ्ज अच्छी तरह याद है जिस तरह आज आसिफ साहब और कामरेड साहब के बीच में मैं बैठा हूँ, इसी तरह रहमान भाई के और सुजात अली हाजी साहब के बीच में मैं था। जब हार पहनाया जा रहा था तो सुजात अली हाजी साहब ने एक लफ्ज बोले थे कि रहमान ये ऊपर से फूलों का ताज है, इसके अंदर कांटे बहुत है, चुभेंगे, बर्दाश्त करना। अगर उस वक्त से आज तक हाजी सुजात अली साहब की बात मान ली जाती, हाजी फतेह मोहम्मद साहब और हमारे बुजुर्गों को हाईकोर्ट का केबिन नहीं लगाया जाता, उनको हाईकोर्ट की नोटिस नहीं दी जाती, तो शायद इस रजिस्टर पे आज तुम शेड्यूल वन पर होते और शहर में तलाशा नहीं होता। तुमने अपने मुफाद के लिए, तुमने अपने साथी मुफाद के लिए, तुमने बिरादरी को दो खाने में बांटने की कोशिश की, जो कि किसी हद तक तुम नाकाम रहे। ये किले के भंगार बाजार की मीटिंग ने आपकी तलवाराट को बता दिया कि आप नाकाम हो और आप शेड्यूल वन पर नहीं हो। दूसरा, फकर इकबाल फाउंडेशन के नाम से जो यह ऑफिस के अफ्तिता हुआ, अगर बाबा ने एक लाख ने वो नाम रखा है तो वाकई फकर इकबाल फाउंडेशन उसको अपने वालिद पर फक्र है। कुछ बेवकूफ पूछते हैं कि क्या फक्र है, अरे बेवकूफो, बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर फक्र होगा, ना कि किसी अरे गहरे पर होगा। आज अगर इखलाक ने यहाँ, इखलाक की दावत पर आप लोग यहाँ मौजूद है, इकबाल भाई की मोहब्बत पे यहाँ मौजूद है, तो ये साबित करता कि इकबाल को अपने बाप पर फक्र था और इकबाल को बाबा में फक्र है जो हमारे पर आप इखलाक की दावत पर यहाँ पर मौजूद है। तीसरी बात, राष्ट्रवादी बीजेपी सेल के सदर की, अगर आसिफ शेख रशीद साहब ने ऊपर बीजेपी की सेल के सदर से बात कर अगर इखलाक को सदरत दिलाई है, तो वो इतने मजे में सियासतदान है कि आज अगर शरद पवार साहब भी उनको दावत दे रहे, धुलिया पार्लियामेंट के इलेक्शन के हलके से कुछ मशवरा करके बुला रहे, तो शरद पवार जैसा दिक्कत देता अगर आसिफ शेख साहब को दावत दे रहा है और आसिफ शेख जैसा आदमी अगर इखलाक को बीजेपी सेल का सदर बना रहे, तो इखलाक में जरूर कोई खासियत है, इखलाक में जरूर कोई गर्व है, इसलिए इखलाक को यह सदर बनाया गया और आज तीनों ऑफिस के अफ्तिता हो रहा। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा, तकरीर बहुत ज्यादा कर चुका हूं, क्या आपने जिस तरह आज इखलाक की दावत को कबूल करते हुए अपनी मोहब्बत का नजराना पेश किया, ये बच्चा आज हमारे साथ है, आपको इकबाल शाह से मोहब्बत होगी, आपको आसिफ शेख रशीद साहब से मोहब्बत होगी, आपको अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी से मोहब्बत होगी, तो आप इखलाक की आवाज पे लब्बैक कहते हुए हमेशा उसका साथ दे और उसके हर प्रोग्राम को सरपरस्त बनकर कामयाब करें। इतने के अपनी बात खत्म करता हूँ, जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इफ्तिदाई प्रोग्राम के सदर मोहतरम महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी रजिस्टर के सदर और मेरे वालिद मोहतरम के बहुत पुराने दोस्त हाजी अब्दुल रहमान कामरेड साहब मंच पे तशरीफ फरमा, महमूद शाह साहब, रफीक सेठ, खालिद हाजी और बिरादरी के और इस वार्ड के शहर के तमाम ही जिम्मेदारान मंच पे तशरीफ फरमा, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही हमारी पार्टी के जिम्मेदारान, तमामी अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के तमामी जिम्मेदारान दोस्तों और साथियों,
असल में प्रोग्राम की तरतीब इस तरीके से बनाई गई है कि ईशा से पहले प्रोग्राम को ख़त्म करना है। इसके लिए मैं भी मेरी बात मुख्तसर करूँगा। और इस प्रोग्राम के कन्वीनर इकलाक शाह साहब, कुर्सी है क्या, दोस्तों और साथियों, ठीक है, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, पार्टी की जानिब से इकलाक शाह साहब, अब्दुल रहमान साहब और अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के तमाम ही जुम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं कि आज अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी रजिस्टर का ऑफिस का राबता ऑफिस का आज इफ्तिताह अमल में आ रहा है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और उसी के साथ साथ फख्र इकबाल फाउंडेशन का भी ऑफिस का इफ्तिताह है। मरहूम इकबाल शाह साहब शेख रशीद साहब के बहुत करीबी साथी थे और जिस वक्त मुझे याद है महमूद शाह साहब ने आपको बताया कि इकबाल शाह साहब अपना खुद का माल लगाकर वक्त देकर अपना धंधा व्यापार को बाजू में करते हुए अपने जान माल लगाकर बिरादरी के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले बिरादरी के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए शेख रशीद साहब के साना बसाना पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर गांव हर देहात और हर कानूनी लड़ाई हुकूमत से लड़ने का काम इकबाल शाह साहब ने किया, उस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं। उनके ऊपर बहुत मुसीबतें आई लेकिन मुसीबत इसके लिए नहीं आई कि उनका कोई पर्सनल जाति मामला था, बल्कि वो बिरादरी के लिए, बिरादरी के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे थे। इसके लिए मुसीबतें आई और उन्होंने मुसीबतें उठाए और मुसीबत का सामना किया और लड़ते रहे और आखिर लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। ये मैं समझता हूँ यहाँ पर रहने वाले, इस शहीद अब्दुल हमीद रोड के रहने वाले तमाम ही साथी इस बात को जानते हैं। और खुशी की बात है कि इकबाल शाह साहब के नाम से उनके फर्जंद इकलाक शाह साहब ने एक फाउंडेशन बनाया और मुझे उम्मीद है कि बिरादरी के साथ साथ इस शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों के लिए, इस इलाके के गरीबों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए फाउंडेशन के जरिए जरूर कामकाज अंजाम देंगे और उनकी खिदमत अंजाम देंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। मैं ज्यादा पार्टी की बात यहां नहीं करूंगा। विजय एंटी सेल का भी दफ्तर का यहां पर इफ्तिताह है। दोस्तों, शाह बिरादरी शेख रशीद साहब ने अपने एमएलएशिप के अंदर, दोनों एमएलएशिप के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के शाह बिरादरी का हर वह बुजुर्ग, हो सकता है आज के नौजवानों को इस बात के इल्म ना हो, महाराष्ट्र के शाह बिरादरी के बड़े बड़े जुम्मेदारान बुजुर्ग ये बात को जानते हैं। अब्दुल रहमान शाह साहब शेख रशीद साहब के साना बसाना लड़ते रहे, मरहूम सुजाद अली साहब साना बसाना रहे, फतेह मोहम्मद हाजी साहब साना बसाना रहे, ऐसे अनेक हमारे बुजुर्ग, मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो शेख रशीद साहब के साना बसाना शाह बिरादरी के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए विजय एंटी के अंदर शामिल कराने के लिए विलासराव देशमुख साहब जब वो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनसे लड़ने का काम, जरूरत पड़ने के ऊपर आजाद मैदान में धरना देने का काम, जरूरत पड़ने के अंदर बिरादरी के अंदर बेदारी लाने का काम, हर वक्त मालेगांव से मुंबई, मालेगांव से मुंबई जाने का काम किया, दौड़ धूप की, और वो मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा ये हुआ कि विलासराव देशमुख साहब की जब सरकार गिर रही थी, एमएलए जब बीजेपी और शिवसेना उनकी सरकार को गिरा रही थी, उस वक्त कांग्रेस के एनसीपी के एमएलए बेंगलोर के अंदर फिल्म एक्टर संजय
संजय खान उनके फार्म हाउस के ऊपर जब एमएलए वहां जमा थे उस वक्त तो इतनी भागदौड़ के अंदर आखिरी सिग्नेचर मुझे से याद आ रहा है कि विलासराव देशमुख साहब ने की और उस वक्त से विजय एंटी का दर्जा मिला और कई हजारों नौजवान आप मालूमात ले लो कई हजारों नौजवान कई हमारी बहनें कई टीचर है कई मेडिकल के अंदर एडमिशन हुआ कई बच्चे एमबीबीएस हुए कई बीएमएस हुए कई इंजीनियर हुए कई टीचर हुए अनेक लोग आज सर्विस के ऊपर है उसी सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर आज उनको फायदा मिलता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और विजय एंटी का जो दर्जा था जो सर्टिफिकेट मिला करता था उसको खत्म करने का काम किया गया और 14 के बाद से आप लोग गवाह है कि 5 साल में एमएलए रहा जब जब मुझे मौका मिला महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम मैंने किया और आप लोगों को आखिरी मीटिंग भी याद होगी कि जब अजीत दादा पवार साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली सरकार में बने उद्धव ठाकरे साहब की उस वक्त तो आला सतह की मीटिंग अगर उसके अंदर कई लोग मौजूद थे आला सतह की मैं बात बोल रहा हूं उसके अंदर अजीत दादा पवार साहब सामाजिक व न्याय और विजय एंटी सेल के जो डिपार्टमेंट है सरकार का उसके सेक्रेटरी नवाब मलिक साहब उस वक्त अल्पसंख्या मंत्री थे धनंजय मुंडे साहब सामाजिक व न्याय मंत्री थे और पूरे डिपार्टमेंट के लोग और शाह बिरादरी के जिम्मेदार बैठे और मैंने वो मीटिंग को लगवाया था और पॉजिटिव मीटिंग चल रही थी। आगे की बात मैं नहीं बोलना हूं क्योंकि मुझे ये लड़ाई आगे हम लोगों को इत्तेहाद के साथ ले जाना है इसके लिए मैं बातें यहां पर मैं ब्रेक कर रहा हूं। इख्तलाफी बात मैं नहीं कर सकता मुझे हक नहीं आपकी बिरादरी के अंदर बोलने का लेकिन जो कुछ मेहनत बुजुर्गों ने की समाज के लिए बिरादरी के लिए विजय एंटी के लिए मुस्तकबिल के लिए वो तमाम ही लोग आप लोगों को इस बात के इल्म होना चाहिए और मैं समझता हूं यहां पर बहुत तजुर्बेकार रहमान कामरेड साहब बहुत तजुर्बेकार शख्स आज अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के सदर है रजिस्टर सदर जो वक्त के अंदर रजिस्टर है इसे मुझे मालूम है और मुझे उम्मीद है कि उनका तजुर्बा बिरादरी को जरूर काम आएगा। मैं इस बात पे यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब बिरादरी के साथ हमेशा साना बसाना खड़े रहे उसी तरीके से मैं और मेरा परिवार मेरी पार्टी बिरादरी के साथ जब भी आवाज देगी बिरादरी हम आपके साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह जो तकलीफ है जो दुश्वारियां हैं लड़ना पड़ता है अलग अलग तरीके की लड़ाई होती है कानूनी उसके लिए एक लायमल बनाना पड़ता है उसके लिए बहुत अच्छा लायमल बनाकर लड़ना पड़ता है और उसके लिए जब भी अगर आप लायमल तैयार करोगे मुश्तरका तौर पर तो मैं आपके साना बसाना अगर आपको मुझे आप लोगों को लगता है कि शेख आसिफ की जरूरत है शेख आसिफ का हाथ पकड़ के ले जाना है और ये काम करवाना है तो आधी रात को आप आवाज देना मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार। ये विजय एंटी का दर्जा मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत मामूली समझते हो बिरादरी के अंदर बेदारी आने की जरूरत है हर घर के सदस्य के अंदर बेदारी आना चाहिए अगर आप उसके फायदे क्या है अगर आप जान लोगे आज जरंगे पाटिल को आप देख लो एक सादा शेतकरी है किसान जो जालना डिस्ट्रिक्ट से निकला एक धरना छोटा सा धरना दे रहा था मंडप डालकर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया एक लाठी चार्ज का नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार या कुंभी प्रमाण पत्र उनको मिलने लगा सरकार हिल गई सिर्फ एक लाठी चार्ज के ऊपर कोई जगाना नहीं पड़ा मराठा समाज को घर घर जाकर जगाना नहीं पड़ा कि उठो चलो जहां तक मेरी मालूमात है जब मराठा समाज जब निकलता है मोर्चे के अंदर मुंबई के अंदर वो ऐलान करते हैं कि मुंबई में जमा होना है तो मुंबई में जमा होते हैं क्या होता है पता है
खुद की गाड़ी, घर की दो माह महीनों को साथ में लिया जाता है, चार से जेंट्स आदमी एक गाड़ी के अंदर छह सात लोग बैठते हैं, अपना आटा, अपना मसाला, अपना खाने पकाने का सामान लेकर निकलते हैं और जहां पर ये पड़ाव डालते हैं वहां पर अपना चूल्हा जलता है और रोटियां बनती है, वो छह लोग भी खाते और चार को खिलाते भी है। इस तरीके की तहरीक कामयाब। तो अगर शाह बिरादरी विजय जयंती का, मैं तो जिम्मेदारान से मेरा मशवरा है कि आप एक पॉम्पलेट निकालिए कि विजय जयंती के फायदे क्या है, उससे क्या क्या हो सकता, बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बन सकता, हमारी बहनों का मुस्तकबिल कैसे बन सकता, एक मुकम्मल डिटेल बताकर उनको बेदारी लाइए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर महाराष्ट्र के तमाम ही जिम्मेदारान, तमाम ही शाह बिरादरी के छोटा बड़ा तमाम ही जिम्मेदार निकलकर एक बेदारी लाओ और लड़ाई लड़ो। और मैं, मुझे उम्मीद है कि आपका मामला बहुत बड़ा या पेचीदा नहीं है, अगर सही तरीके से लड़ाई लड़ी गई, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी गई और सियासी सारा लेकर लड़ाई लड़ी गई, तो मैं समझता हूं यह तहरीक भी कामयाब होगी और शाह बिरादरी का मसला भी हल होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं ये इस उम्मीद के साथ कि इखलाक शाह साहब, उनके तमाम ही साथी यहां पर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के मसाइल को भी हल करेंगे। वैलिडिटी का मसला अगर है, अगर 19-20 मामला हो सकता है, सबके पास तीन दाखिले मांगते हैं, तीन पुरावे मांगते हैं, उसके अंदर कोई दुश्वारी अगर आती है और अगर नासिक के अंदर कोई तकलीफ आपको आती है, मुझे आवाज दो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। हम बैठ के जो मसाइल है तो यहाँ पर आप जिम्मेदार बैठकर एक वक्त तय करो और बिरादरी के अंदर बोलो कि हम यहाँ बैठने वाले, कोई मसला हो लाए, अगर आपसे हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉमरेड साहब जाकर वो कानूनी बात करेंगे तो मिल जाए, लेकिन अगर कोई मेरी जरूरत लगती तो मैं भी तैयार हूँ। समाज के जो दूसरे मसाइल है, बाल बेटियों के मसाइल होते हैं, उनके मसाइल है उसको हल करें, दूसरे हॉस्पिटलों के मसाइल होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो आपके पास आ सकते, वो मसाइल हल करो, एजुकेशन के मसाइल हल करो, हर मसाइल तुम यहाँ बैठकर इस ऑफिस से हल कर सकते, मुझे उम्मीद है। और इकबाल शाह साहब के नाम से जो फाउंडेशन है उससे कुछ स्कॉलरशिप शुरू करो, गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ उनका मुस्तकबिल बने, उनका नाम चलता रहे, उनको इस सारे सवाब मिलते रहे, उसके ऊपर भी काम करो। और फिर पार्टी की, मैं कहा कि मैं पार्टी की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, विजय एंटी सेल के आप सदर है, वो भी मसाइल आपके पास है तो हल करो और नहीं तो हम लोग आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी मुख्तसर है, मैं जल्द अज जल्द, सबसे पहले तो आप तमाम ही शाह बिरादरी के जिम्मेदारों का और इस वार्ड के हमारे तमाम ही जिम्मेदारों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी मोहब्बत में, हमारे जिम्मेदारों की मोहब्बत में हमारी दावत पे लब्बैक कहते हुए हमारी सोच से ज़्यादा तादाद में यहाँ शिरकत की और हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विजय एंटी सेल, जिसमें हम SC ST में आने वाली तमाम ही जमातों, जिसमें शाह बिरादरी भी शामिल है, उसके लिए यहाँ अपनी ऑफिस से जो खिदमात अंजाम दे सकते हैं, उस खिदमात को अंजाम देने के लिए हमने इस ऑफिस का आज काम मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताह का प्रोग्राम रखा। उसके बाद हमारी अपनी तंजीम अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र, जो 1971 में बनकर रजिस्टर्ड हुई और आज उसके जिम्मेदारान यहाँ मौजूद है, मैं खुद उस तंजीम का एक जिम्मेदार हूँ, ताकि शाह बिरादरी के देरीना मसाइल पर हम यहाँ से बैठकर लोगों की खिदमत अंजाम दे सके। इस ऑफिस का इफ्तिताह यहाँ पे अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की राबता ऑफिस का भी कायम हुआ, साथ ही साथ मेरे वालिद मरहूम इकबाल शाह, मरहूम हाजी बशीर शाह, जिनके नाम से मैं समझता हूँ कि महल्ला, वार्ड, इलाका, बिरादरी और शहर, हर कोई उनके नाम को जानता है, उनकी खिदमात की सराहना करता है। उनके नाम से हमने फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन का आगाज़ किया और उसकी भी राबता ऑफिस यहाँ कायम की। मैं आपको बताता चलूँ, फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन महाराष्ट्र एक ऐसी तंजीम है
जो सिर्फ शाह बिरादरी तक महदूद नहीं है, इसके अंदर महाराष्ट्र लेवल पर और अभी शहरी लेवल पर भी बॉडी का वजूद अमल में लाया जाएगा। पर महाराष्ट्र लेवल पर जो जिम्मेदारान है, इसमें तमाम ही बिरादरी के जिम्मेदारान मौजूद है, चाहे वो शेख हो, चाहे वो शाह हो, चाहे वो अंसारी हो, ऐसे गर्ज तमाम ही बिरादरी के जो जिम्मेदार है, हमने फख्र इकबाल फाउंडेशन महाराष्ट्र की बॉडी में हमने तमाम जिम्मेदारों को रखा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अपनी बिरादरी के साथ बिरादरी के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी कौम के लिए, अपने मज़हब के लिए जद्दोजहद करना, और इसी के लिए इस फाउंडेशन का गठन किया गया है। और आज आपके सामने हमारी ये ऑफिस इफ्तिताह के लिए तैयार है, जिसके इफ्तिताह की जो कार्रवाई है वो हाजी अब्दुर्रहमान कॉमरेड साहब और हमारे अपने लीडर कायद नस्लनाव अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। मैं आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझसे, मेरी तंजीम से, मेरे फाउंडेशन से और मेरी पार्टी से इस कदर मेरी एक आवाज़ पे मोहब्बत का इजहार किया और आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त दे लेकर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रजिस्टर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की पहली ऑफिस का इब्तिदा मालेगांव शहर में अमल में आया जी, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि हमारा सदर मुकाम जो है वो मालेगांव है, पहले किले में था, लेकिन वहाँ पर कुछ ये आने की वजह से फिर हमने उसको ऑफिस को चेंज करते हुए वो ऑफिस यहाँ लाया, ले आए। तो पहले से मालेगांव मुकाम में ही हमारा मरकज़ है। जिस तरीके से अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के विवादात कई सालों से चल रहे थे, जो अब जाकर कागजी लेवल पर हल हुए, लेकिन आपसी लेवल पर आज भी वो जंग जारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि कुछ मुफाद परस्त लोग अपने मुफाद की खातिर या पॉलिटिकल स्टेटस को बढ़ाने की खातिर बिरादरी में निफाक पैदा कर अपने आप को आज भी वो ये समझते हैं कि हम बरतर है, और उनकी बरतरी दिखाने के लिए उन्होंने बिरादरी में तनाज़े पैदा किए हुए हैं। तो ये तनाज़े हम तो चाहते हैं दूर हो जाए, लेकिन जो मुफाद परस्त लोग हैं वो दूर करने में उनको दिलचस्पी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, भी ये सो कॉल्ड मालेगांव के सदर बने थे, सदर बनने के बाद इनको यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कॉप का मेंबर चुना था, बिरादरी के बेस पे चुना था। इनके कोई जाति ऐसा पॉलिटिकल इनका कोई स्टेटस नहीं था कि जिस बेस पर इनको सदर चुना गया। बिरादरी में इतिहाद था, वो इतिहाद की बुनियाद पर चुना गया। वही बोल रहे ना, इतिहाद की बुनियाद पर चुना गया ना। लाखों करोड़ों के ठेके मिले, वो भी एहतियात के बिना पर ही मिले उनको। आपका बोलने का मतलब क्या है? मतलब कुछ लोग मतलब सियासी फायदा और ठेकेदारी के लिए बिरादरी में आ रहे हैं? बेशक, ये सिर्फ ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ मैं, साबित कर दूंगा। मैं खोखला इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सामने वाला जो ग्रुप है उन्होंने अपनी ताकत एक प्रोग्राम लेकर बताइए कि उनके साथ कितनी सारी अक्सरियत उनके साथ है, लोग उनको आज भी सदर के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कितनी ताकत दिखाई आपने देखा नहीं? मालेगांव में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और उनके साथ में 10% लोग भी मालेगांव के नहीं थे। सो कॉल्ड उनके पास आज भी लोग हो गए, ऐसा मैं नहीं बोलता कि भाई लोग नहीं होंगे, लेकिन कौन है? अब पूरे महाराष्ट्र में उनके पास क्या है? लेकिन बिरादरी में ही कुछ अक्सरियत में लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो आपके साथ भी रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, ये इंतजार आप कैसे ख़त्म कर पाएंगे? कोशिश, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंतजार ख़त्म हो, और जो लोग ऐसा डुप्लीकेट चल रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत करके इसका कोई हल निकाला तो जाएगा।
क्योंकि बिरादरी जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी तब तक हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं। हमारे मसाइल क्या है? पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें। आला तालीम हासिल कब हो सकती है? बिरादरी में अगर इंतजार नहीं रहा, बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर रही तो सरकार से हम कहीं ना कहीं बैठ कर उससे तर्जोड़ करके लोगों को वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट मिला के देंगे, हमारे बच्चे आला तालीम आसानी से हासिल कर सकेंगे। क्या लायमल आपने तय किया है? मालेगांव शहर में ही अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की बड़ी अक्सरियत है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आज भी बेइंतहा तकलीफ और परेशानियाँ गरीब बिरादरी के बच्चों को उठानी पड़ती है। अमीर तो पैसे देकर अपना काम करवा लेता है, उनके लिए क्या लायमल तय करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद एक दो शिष्टमंडल जाएंगे उनके पास, प्रांत के पास। अब देखते शिष्टमंडल से उसने माना तो ठीक, नहीं तो फिर ताकत का मुजाहरा तो करना ही पड़ेगा। नहीं, हमने खुद प्रांत साहब का एक इंटरव्यू लिया था। अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा कि हमको बंद का कोई भी आदेश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कहा कहाँ बंद है। हाँ। लेकिन बिरादरी में फिर इस प्रकार की बातें कि बंद है और बंद के नाम पर मतलब सियासत राजकारण होता और पैसे वालों का काम बराबर होता, इसको कैसे खत्म करेंगे? इंशाल्लाह, मैं बोला ना कि प्रांत से एक बार बैठक लेकर और उसकी उस बैठक के बाद जैसा पीछे हमने 2002 के बाद मैं वहाँ से निकलता था मोटरसाइकिल पर, प्रांत ऑफिस में बैठता था, लोगों के फॉर्म भर के हमने लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट दिलाए हुए उस ज़माने में। अभी वही लाया अमल तैयार करेंगे हम, लोगों को घर घर कास्ट सर्टिफिकेट मिल सके ऐसी कोशिश करनी है। क्या संदेश देना चाहेंगे अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के लोगों से? मैं यही कहूँगा कि भी लोग एकजुट हो, हमारे हक के लिए हमको जो संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए एक जगह आना ज़रूरी है, और कुछ मुफाद परस्त लोग जो बिरादरी में तनाज़े पैदा कर रहे हैं इनको पहचाने और इनको दूर रखे बिरादरी से, इतना ही कहूँगा।